वो जो तेरी तरह 550 पे खड़े उनका कहना चाह रहा है तू। पहला कदम खुद उठाओ, अगले सारे कदम भगवान उठाता है। और आज ये बच्चा 550 से 650-665 तक जा रहा है, कुछ भी किया जा सकता है। रिपीटर्स को एक ही बात कहूंगा मैं, वो विश्वास करें। सत्येंद्र क्या कहना चाहेगा, आपसे बात करें मेरा। जय सेल्सी, मैं कहूंगा मैं 17 जुलाई 2017 को मैं 10th पास करके सेल्सी आया था, और 17 जुलाई 2022 को क्या बात रेड जा तेरे को, 17 जुलाई 2017 को आया था। उसे शाम को उसे 6 बजे उसी बारिश में, और उसी बारिश में फिर 17 जुलाई 2022 को मेरा मिशन पूरा हुआ। और मैं ये कहूँगा कि मैं जब पहली बार एग्ज़ाम दिया था तब मेरे 530 नंबर आए थे, फिर घर या तैयारी किया और फिर एक बार दिया, फिर मेरे 552 नंबर आए थे, मेरे सिर्फ 22 नंबर बढ़े थे। तो मैं ये नहीं था कि हम हार गए, लेकिन इतना जरूर था कि एक साल में अगर 22 नंबर बढ़े तो आगे फिर 22 बढ़ लेंगे, 30 बढ़ लेंगे, 35 बढ़ लेंगे, ये लेकिन ये विश्वास नहीं था कि 100 बढ़ जाएंगे, 108 नंबर बढ़ जाएंगे। और मैं यही कहूँगा कि जितना विश्वास मुझे मुझ पर था उतना ज़्यादा उससे ज़्यादा बॉस ने मुझे दिया, जितना विश्वास मुझे सेल्स पर था उससे ज़्यादा सेल्स ने मुझ पर किया, जितनी मेहनत में किया उससे ज़्यादा सेल्स ने की। और मैं खुद सोचते कि मुझे जो माता पिता मिले, मुझसे बड़ी मेरी बहन मिली, ऐसे गुरु मिले, और मैं तो उसके बाद मैंने केवल मेहनत की थी और इन्होंने जो मेहनत की उसका रूप मुझसे होकर निकला है, बाकी मेहनत कुछ नहीं। बहुत गहरी बात कह गया बच्चा, एक एक दिन याद होता देखो जिंदगी में। इसलिए बात की रिपीट ध्यान सुने, 530 थे घर पे तैयारी की, 550 हुए, तो वापस कोचिंग जुड़ा। इसलिए कई बार रिपीटर ये मानते हैं कि हमें क्लास की कहां जरूरत है, इसलिए कोई टेस्ट नहीं छोड़ा, कोई क्लास नहीं छोड़ी, और बी बिल्डिंग की देन है। बी बिल्डिंग और एक वो वातावरण है जहां मामला अनपढ़ होता हमारा। तो ये सब और क्या कहना चाहते हैं, वो जो तेरी तरह 550 पे खड़े उनका कहना चाह रहा है तू। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप किसी किनारे पर है या आप कहीं दूर भी है कि सिलेक्शन से ज़्यादा दूर भी रहे तो आप सेल्सी से जुड़े, क्योंकि सेल्सी यह कभी नहीं कहेगा कि आप हारे हैं, या तो आप सेल्सी में आएंगे तो या तो आप सेल्सी जीतेंगे या फिर आप सीखेंगे, आप हार नहीं सकते सेल्सी से। और एक विश्वास आपको सेल्सी के अंदर लेके आना होगा, सेल्सी आपको बताया कि मेहनत करनी कहाँ पर, आपको पढ़ना क्या है। और सेल्सी के लिए सबसे बड़ी यही रहा कि सेल्सी ने जो पेपर उन्हें पूरे इंसर्ट बेस में, हाँ वो तो बिल्कुल, ये तो बहुत शानदार है। और क्योंकि नीट के अंदर एंसर्ट से बाहर कुछ नहीं था, इसलिए हमने अपने दंगल से भी ज़्यादा मार्क्स हम बाहर नीट में स्कोर कर पाए। ये कहूँगा कि ज़िंदगी में हारने के लिए कुछ नहीं है, अगर आप हर दिन अगर आपको ये लगे आज कुछ ना कुछ हमने सीखा है तो हार सकते हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू।